महासेतु, उसके बाद कोसी रेल महासेतु को आप ड्रोन व्यू में देख रहे हैं, और जहां तक कैमरा देख रहा है वहां तक पानी, और पानी के अलावा कुछ नहीं। बांध के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी है, और सब लोग नदी किनारे शरण ले रखे हैं। कोसी में जल महाप्रलय के बीच हम पहुंच गए हैं। ये कोसी महासेतु हमारे पीछे देख लीजिए, और इधर प्रवाह देख लीजिए। कल हमने दिखाया था, जब हम आ रहे थे तो उस समय वाटर वेग दिखाया था कि किस तरह से जो है उस समय वो जो पाया के पास जो चबूतरे बने हैं उस चबूतरे से नीचे था पानी, और अब जो है जब जलस्तर बढ़ा है तो देख लीजिए वहाँ किस हिसाब से वेग है। इधर कोसी बराज है, कोसी बराज से सीधा जो पानी बहता हुआ इधर पुरसेला की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं कोसी महासेतु, उसके बाद कोसी रेल महासेतु को आप ड्रोन व्यू में देख रहे हैं, और जहाँ तक कैमरा देख रहा है वहाँ तक पानी, और पानी के अलावा कुछ नहीं। हम तो कल से ही दिखा रहे हैं आपको लगातार किस कदर जलस्तर बढ़ रहा है, और कैसे अब जब जलस्तर घटना भी शुरू हुआ, लेकिन ये जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसमें अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का की तस्वीरें आपको दिखेगा। जलस्तर तो घट रहा है लेकिन कोसी का तांडव अभी कम होने वाला नहीं। ये जो वेग है इस वेग में अब कटाव शुरू हो जाएगा, और उस कटाव में क्या क्या बहेगा ये पता नहीं। ऐसे में कोसी किनारे जो लोग रह रहे हैं या कोसी के बांध के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी है, और सब लोग नदी किनारे शरण ले रखे हैं। घर में लोग बता रहे हैं कि अचानक से पानी आ गया और जो है कुछ भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि घर में बहुत सामान होता है। नोटिस बड़ा कम डिस्टेंस पर मिला लोगों को, क्योंकि पहले परसों जो है 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी था, कोसी में उस पानी को नगण्य ही माना जाता है, और ऐसे में अचानक से रात भर में पानी 6 लाख क्यूसेक को पार कर जाना, आप समझ लीजिए कि कितना, लगभग 6 गुने का डिफरेंस है। तो क्या हुआ होगा और क्या सिचुएशन रही होगी। लोग अब भी तस्वीरों में आप देख लीजिए तो घर जो है ना ऊपर जो है सिर्फ छज्जे या छत दिखाई दे रहा, बाकी पूरा घर में कहीं खिड़की तक तो कहीं छत तक पानी है, और यहाँ से वहाँ तक लबालब है सब कुछ। यही कोसी महासेतु की अगर बात करें तो इस छोर से उस छोर में जो बीच में टापू था वो अब कुछ नहीं दिख रहा, पूरा डूब गया, और यहाँ रेल महासेतु और कोसी महासेतु के बीच में पूरा पानी और पानी दिख रहा है। इस तरफ में अगर कैमरा इधर में देख घूम जाए, और आप खुली आंखों से भी अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ जो है पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं। आगे ले चलते हैं, आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन जो स्थिति है वो अपने आप में विकराल, और जो लोग हैं दोनों ही किनारों पर देखिए, नज़दीक से देखने वालों की संख्या अभी एकदम लगातार बढ़ते जा रहा, और हर कोई इस बढ़े हुए जलस्तर को नज़दीक से आकर के देख भी लेना चाहता है। और एरियल व्यू में हमने दिखाया आपको कि कैसे जल प्रलय हाहाकार मचा रही है, और जो कोसी के अंदर लोग रह रहे हैं वो किस तरह से त्रस्त होकर के कोसी किनारे शरण ले रखे हैं। बाकी इस जल महाप्रलय के और वीडियोज को देखते रहने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, और हम वहाँ लगातार आपके लिए डेटा अपडेट करते हैं कि कहाँ कब कितना पानी का डिस्चार्ज है, इसलिए हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।